अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और गर्मियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। दिस मैसेज इज़ नॉट फॉर द पीपल ऑफ इस्लामाबाद, क्योंकि वो अभी तक इस कश्मकश में है कि सर्दियाँ हैं या गर्मियाँ हैं। तो जी, आज के सीन्स कुछ यूँ थे कि वो लैपटॉप जो मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले लिया था, अब वो हो चुका है ज़ईफ़। तो अब वो हर हफ्ते हर महीने मुझे चीख चीख के कहता है कि भाई तेरी मेहरबानी है, मुझे कर तू चेंज। तो जी, मैंने फिर अपने चालाक दिमाग का फ़ायदा उठाते हुए सफ़र शुरू किया रावलपिंडी तक का, क्योंकि वहाँ की हमें एक ही मार्केट का पता है और वो है दुबई प्लाज़ा। तो जी, रास्ते में लाहौर का बोर्ड देख के मुझे अपने कुछ निकम्मे दोस्तों की याद आ गई, लेकिन फिर मैंने सोचा शाहज़ेब फोकस ऑन योर टास्क। खैर जी, आखिरकार घूमते घुमाते हम पहुंच ही गए पिंडी, और पिंडी की सड़कें और ट्रैफिक देख के कुछ अपनाहट सी महसूस हुई और लगा कि मैं रहीम इरफान में हूँ। तो जी, सबसे पहले हमने किया नाश्ता और नाश्ता करने के बाद हम निकल गए दुबई प्लाज़ा। भाई साहब, दुबई प्लाज़ा के हाई रेट्स देख के हमने वापसी का रुख किया और रहीम इरफान की मार्केट में कांटेक्ट किया। वापसी का रुख करते हुए एक ही काम हो सकता था, या तो मैं मैप पे रास्ता देखता या मैं ब्लॉग करता। तो मैंने सोचा यार ब्लॉग किया जाए, बेहतर है। इसी चक्कर में आपका भाई रास्ता भूल गया जी। 1 किलोमीटर दूर से हमने यू टर्न लिया और घर की तरफ रवाना हुए और सोचा कि रहीम इरफान की मार्केट कॉन्टेक्ट करके लैपटॉप का जुगाड़ किया जाए। तो जी, आखिरकार 4-5 दिन के तवील इंतज़ार के बाद हमारा लैपटॉप आ गया। तो मैंने शुक्र किया कि भजन कंटेंट का जुगाड़ भी हो गया। और जी, इस अनबॉक्सिंग की वीडियो का कंप्लीट क्रेडिट जाता है हमारे रिस्पेक्टेड असिस्टेंट एचआर रघुवीर राजे को। थैंक यू सर। तो जी, इसी सिलसिले में हमने प्लान बनाया कुछ खाने पीने का। तो जी, खाने पीने का प्लान हो और अंदर पिज़्ज़े का प्लान हो तो आता सिर्फ 14th Street है। तो जी, अगले दिन था संडे और संडे के दिन इतवार बाज़ार लगता है। तो हमने सोचा कि यार इतवार का फ़ायदा उठाते हुए इतवार बाज़ार से कुछ हल्की फुल्की खरीद फरोख्त की जाए। तो हम जी निकल पड़े इतवार बाज़ार के लिए। यहाँ जी मैंने फैसल को धक्का मारा और उसे बताया कि भाई शॉपिंग तेरे हवाले और वीडियो मेरे हवाले। जैसा कि आपको पता है कि जब आप अम्मा के साथ बाज़ार जाते हैं तो अम्मा 5,000 की चीज़ 2,000 में ले आती हैं। तो हमने भी सोचा कि कुछ ऐसे ही कोशिश की जाए, लेकिन हम उस कोशिश में बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुए। खैर जी, आखिरकार इतवार बाज़ार से निकलते हुए हमने कुछ शाम के खाने की चीज़ें भी उठा ली और सोचा कि मौसम भी हसीन है तो कुछ शॉर्ट्स ले जाएँ। खैर जी, शॉपिंग के साथ साथ हमारे आज के व्लॉग की कहानी भी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।